Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is our English textbook named Marigold, and our today's topic is first chapter of unit 3 named One Little Kitten. In this poem, the poet Caroline Graham was trying to teach us the accountings in a new style. In this poem, we will learn the different type of creatures also. Right, students? यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का पहला चैप्टर एक छोटा बिल्ली का बच्चा ये पोयम है। इस पोयम में कार्लोइन ग्रहम ने गिनती को अलग किस प्रकार से गाया जा सकता है उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ इसमें हमें बहुत सारे क्रिएचर्स माने जीव जंतु या प्राणियों के बारे में भी पता चलेगा। चलिए इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। राइट, लिसन एंड एंजॉय दिस पोएम। सुनिए और इस पोएम को एंजॉय करिए। वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, फोर बिग रैट्स, फाइव फैट फिशेस, सिक्स सैड सील्स, सेवन सिली सीगल्स, एट हैप्पी ईल्स, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. कैसी लगी आपको? मजा आया? इसे लर्न भी करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अलग अलग एनिमल्स आपको यहाँ पर आपको इस पोएम के चारों तरफ इस बुक में दिया हुआ है। कहीं एलिफेंट है, कहीं लेजर्ट है, कहीं एलिगेटर्स हैं, कहीं व्हेल है, ये फिश हैं, ये सीगल्स हैं, ये बीज हैं, ये डोंकी है ना, तो ये बटरफ्लाईज हैं। तो इसी तरीके से ये सभी क्रिएचर्स को इसमें दिया भी गया है। तो अब देखते हैं अब इसमें क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, वो अलग अलग काउंटीन है, कहां तक है, 15 तक है ना। तो वो कहता है कि एक वन लिटिल मतलब छोटी, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, एक छोटा बिल्ली का बच्चा और दो बड़ी बिल्लियां, तीन बेबी बटरफ्लाईज मतलब तितलियों के छोटे छोटे बच्चे, फोर बिग रैट्स और फोर बड़े से रैट्स हैं, फाइव फैट फिशेस और फाइव क्या है, मोटी सी फिशेस हैं, और सिक्स सैड सील्स। सील्स क्या होता है, सील एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है ना, जो समंदर में पाई जाती है, ठीक है, तो क्या है, और वो सैड है, सैड मतलब उदास। सेवन सिली, सात सिली मतलब बेवकूफ या फुलिश है ना। सीगल्स बोलते हैं ये जो चिड़िया होती है जो समुद्र के ऊपर उड़ती रहती है। एट हैप्पी ईल्स, और एट क्या है, खुश हैं ईल्स। ईल्स भी क्या होती है, एक तरह की समुद्री मछली होती है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये सील नहीं है, ठीक है, ये क्या है, समुद्री ईल, राइट, सांप की तरह लगती है थोड़ी थोड़ी सी। नाइन नर्वस मीन्स घबराई हुई, लिजर्ड मतलब छिपकलियां हैं, ये रही वो छिपकली आपको दिखाई दे रही होगी। और 10 ब्रेव बीज, और 10 जो हैं वो ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर, बी माने मक्खियां हैं, ठीक है। 11 स्मेली, और जो 11 स्मेली मतलब बदबूदार, जिनमें से बदबू आ रही है, वो ऐसे 11 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर। और 12 फैट फ्लीज, और जो 12 मोटे मोटे से पिस्सू, ये फ्लीज क्या होते हैं, ये जानवरों में डॉग में ना अक्सर आपने डॉगी में देखा होगा या काव वगैरह में देखा होगा, वो पिस्सू बोलते हैं जिसको, वो उनकी बॉडी में चिपके रहते हैं और उनका खून चूसते हैं, तो वो कैसे हैं, 12 फैट फ्लीज उन्हें बोलते हैं फ्लीज। 13 एलिगेटर्स बोलते हैं क्रोकोडाइल या मगरमच्छ को, कहां है क्रोकोडाइल ढूंढो तो जरा, वेरी गुड, ये रहा, इसको एलिगेटर भी बोलते हैं, तो 13 क्या है, एलिगेटर्स हैं यानी मगरमच्छ हैं। और 14 व्हेल्स क्या होती हैं,
समुद्र की सबसे बड़ी मछली को व्हेल बोलते हैं, सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल। और 15 डोंकीज हैं, कितने डोंकीज हैं 15, विद 15 टेल्स। और उनकी कितनी, अब 15 डोंकी है तो उनकी टेल्स भी कितनी होंगी 15, अपनी 15 टेल्स के साथ 15 डोंकी हैं, राइट। तो अब आप देखो कितने सारे आपको इसमें एनिमल्स मिले हैं और कितनी सारी आपको स्पेलिंग्स, यानी कि 15 स्पेलिंग्स मिली हैं आपको। और एनिमल्स कितने हो गए, किटन, कैट्स, बटरफ्लाई, रैट्स, फिशेस, सील्स, सीगल्स, ईल्स, लिजर्ड, बीज, एलिफेंट्स, फ्लीज, एलिगेटर, व्हेल एंड डोंकी, है ना। तो इतने सारे हमारे को एनिमल्स के नेम पता चले और इतनी सारी स्पेलिंग्स, ठीक है ना। इन स्पेलिंग्स को भी हम लर्न करेंगे कि भाई 15 की स्पेलिंग क्या होती है, 14 की क्या होती है, ये हमें आता भी होगा, राइट। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। रीडिंग इज फन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोम। कितने, हाउ मैनी मतलब कितने, काइंड्स माने प्रकार, ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जंतु, ये जिनमें जान होती है उनके बारे में बात होती है। आर देयर हैं यहाँ इस पोयम में, इस पोयम में कितने सारे क्रिएचर्स हैं, ठीक है ना। कितने सारे क्रिएचर्स हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे जैसे क्या, किटन है, ठीक है ना, बी है, एलिगेटर है और व्हेल है, तो इन्हें काउंट करेंगे वो आपको बताना है। आर द सील्स हैप्पी, क्या जो सील्स हैं वो हैप्पी थी, नहीं, उसमें क्या लिखा था, सैड सील्स, है ना, तो हैप्पी नहीं थी, है ना। नेक्स्ट लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। वेयर डू द फिश लिव, फिश मतलब मछली, लिव मतलब रहती है, वेयर मतलब कहाँ, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मछली कहाँ रहती है, तो कहाँ रहती है, वेरी गुड। व्हाट आर द अदर, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। व्हाट माने क्या, अदर मतलब दूसरी, थिंग्स माने चीजें, फाउंड मतलब पाई जाती हैं, वाटर मतलब पानी में, पानी में और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। फिश के अलावा मेंढक भी होता है, फ्रॉग भी होता है, टर्टल या टॉर्टोइस भी होता है, उसके अलावा वेरी गुड, वेरी गुड, स्नेक्स भी होते हैं, शाबाश, उसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं अलग अलग तरह के, है ना। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोम, इस पोयम में बहुत सारे प्राणी दिए गए हैं। विच वंस हैव यू सीन, कौन सा एक भी हैं या कौन कौन से आपने देखे हैं, आपने जोन जोन से देखे हुए हैं उनके नाम आपने इसमें लिखने हैं, राइट। नाउ टेल अस अबाउट व्हेन यू फील, ये बताओ जब तुम ऐसा महसूस, फील मतलब महसूस करना, अबाउट मतलब बारे में, व्हेन मतलब कब, टेल माने बताना, हमें बताओ कि तुम ऐसा कब महसूस करते हो, जैसे सैड, सैड मीन्स उदास, उदास कब महसूस करते हो, जब डांट पड़ती है, है ना। ब्रेव, हिम्मत वाले कब होते हो, ब्रेव माने हिम्मत वाला, है ना, तो ब्रेव कब दिखाई देते हो आप, जब आप डॉगी को देख के भी नहीं डरते या किसी चीज को देख के आप डरते नहीं हो, है ना। हैप्पी कब होते हो आप, खुश, हैप्पी मीन्स खुश, कब होते हो, जब मम्मी आपकी मनपसंद कोई काम कर देती है ना। और नर्वस, नर्वस मीन्स घबराहट होनी, है ना, तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कब होते हैं घबराहट, जब पता होता है कि होमवर्क नहीं करा है और स्कूल जाना है तो भी घबराहट होती है ना, तो वही है। अगर मैं आपसे कहूँ अपोजिट वर्ड्स हैं, सैड का अपोजिट हैप्पी और ब्रेव का अपोजिट नर्वस, राइट, उल्टा, ठीक है, अपोजिट मीन्स उल्टा। नाउ लेट्स शेयर, मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स। मेक मतलब बनाओ, फेस मतलब चेहरे, टू शो अपने दोस्त को दिखाओ, योर फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स होते हैं अपनी भावनाएं, उन्हें दिखाओ टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को अपने चेहरे पर कुछ बनाकर अपनी भावनाओं को दिखाओ, अपना चेहरा बनाकर अपनी भावनाएं दिखाओ। जैसे अभी इसने अपना चेहरा बना रखा उदास, सैड, ये ब्रेव है, ताकतवर अपनी बॉडी दिखा रहा है, और ये नर्वस, घबराया हुआ दिख रहा है ना, और उसके बाद हैप्पी, खुश। तो ऐसे ही आप भी अलग अलग चेहरे बनाओ और अपनी मम्मी को दिखाओ या अपने घर में किसी को दिखाओ और वो पहचाने कि आप हैप्पी वाला फेस बना रहे हो या कैसा, राइट। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो एंड अंडरलाइन देम इन द पोम, देन ट्रेस द लेटर्स, और उसके बाद लेटर्स को ट्रेस भी करो।
अब कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, वो कहता है लुक एट द पिक्चर्स, नीचे पिक्चर्स दी गई हैं अलग अलग जानवरों की, और आपने क्या करना है अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन, अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब लाइन रेखा, उसके नीचे रेखा खींच देनी है कहां पर, जो पोयम, पोम में आपको ये, इसे पोयम भी बोलते हैं और पोम भी बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन है इसका पोम, राइट, लेकिन हम लोग इंडिया में इसे पोयम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे पोयम बोलिए चाहे पोम बोलिए, तो ये इस अपनी पोम के अंदर जहां जहां ये वर्ड्स हैं उन्हें आप लाइन खींच देंगे, राइट। अब जैसे क्या है, किटन, बटरफ्लाई एंड कैट, चलिए देखते हैं पोम में कहां कहां ये तीनों वर्ड हैं, किटन, बटरफ्लाई और कैट, इन्हें अंडरलाइन कर देंगे, राइट। ऐसे ही बाकी वर्ड्स भी करेंगे, बाकी वर्ड्स कौन कौन से हैं, रैट, फिश, सील, सीगल, ईल, लेजर्ड, बी, एलिफेंट, फ्ली, डोंकी, एलिगेटर, व्हेल, और देखो उन सब क्या दिख गया ना, ईल कैसी होती है, लिजर्ड कैसी होती है, सील कैसी होती है, देखिए इस तरह के एनिमल, ये एनिमल नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे एक तरह की फिश है, ठीक है ना। अब इनको ट्रेस भी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू वर्ड्स यू हैव टू स्पीक अलाउड, से अलाउड, आपको ये जोर जोर से बोलना है, एम, ही, इफ, इन, इज, इट, मी, माय, नो, ऑफ, ऐसे ही आप आगे भी इन सबको पढ़ेंगे, राइट। लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो, से दीज वर्ड्स अलाउड, देन मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग लाइंस, इन वर्ड्स को जो नीचे दिए गए उन्हें जोर जोर से पढ़िए और उसके बाद मैच करिए, मैच मतलब मिला दीजिए उनको विद द पिक्चर्स, उनको अपनी पिक्चर से मिला दीजिए। अब क्या है, बैग, टिन, हैन, पेन, टैप, एक्स, आंट, फॉक्स, कैप, कॉट, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या है, बैग कहां पर है, बैग उससे मैच कर दीजिए, राइट। जब आप इन्हें मैच करेंगे तो देखेंगे कि लाइंस एक दूसरे को कम से कम क्रॉस करें, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि भाई पता ही ना चले कि आप किसको किससे मिला रहे हो, राइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबव, अब फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह है, इन्हें आपने फिल करना है, ठीक है ना। तब क्या होगा, बी ए जी, बैग, वेरी गुड, हैन, टैप, कैप, टेन, कॉट, इसी तरीके से आगे, राइट स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल, आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारा सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, गुड डे, आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।